वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, कैलकुलस में हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रिशिएशन, जिसमें कि हम कॉस्ट के ऊपर एप्लीकेशन को समझ चुके हैं, रिवेन्यू के ऊपर लास्ट क्लासेस में हमने क्वेश्चंस को कवर किया है, और आज की क्लासेस में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रिशिएशन में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, किस पर्पज में यूज में आता है, उसके बाद आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और फिर आप इसके कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहले बात कर लेता हूं, फॉर्मूले पे बाद में आएंगे। देखिएगा, तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर ये इसका मीनिंग क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले सुना हुआ है, पहले क्या हुआ, बेसिकली है क्या। तो आइए जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप शांति से एक एग्जांपल को सुनिएगा बच्चे। मान लीजिए कोई एक कॉमोडिटी है, वो कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। लेट कर लीजिए कॉमोडिटी एक एक्स है, तो इस कॉमोडिटी की अपनी एक प्राइस होगी और इस कॉमोडिटी की अपनी एक डिमांड भी होगी। तो इस कॉमोडिटी की अपनी एक प्राइस है और इस कॉमोडिटी की अपनी एक डिमांड है। तो जो प्राइस है और इस कॉमोडिटी की अपनी एक डिमांड है, अब आप इस बात को भी आप समझते हैं, बेसिकली प्राइस को चलिए हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिमांड को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस बात को समझते हैं कि कोई कॉमोडिटी है, उसकी अपनी एक प्राइस भी होती है, उसकी अपनी एक डिमांड भी होती है। तो कॉमोडिटी के प्राइस में जब चेंज आता है तो इसका इंपैक्ट उसके डिमांड पे भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉमोडिटी है, और इसके अपने एक प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उसका इफेक्ट इसके डिमांड पर भी पड़ेगा। अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इसकी डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो इसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज होगी। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड आप सभी बच्चे अच्छे से अवेयर हैं, जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली नई चीज आपके लिए है नहीं। तो खैर, आपको प्राइस और डिमांड में रिलेशन तो पता है, आपको लॉ ऑफ डिमांड भी पता है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता, आपको इतना मालूम है कि भैया मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो डिमांड इसका कम होगा, जनता कंज्यूमर इसको कम लेगी, डिमांड अगर प्राइस की मैं इंक्रीज कर दूंगा, ये जानते हैं। लेकिन आप एक्चुअल में ये नहीं जानते हैं कि प्राइस अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं इतना, तो एक्चुअल में कितनी डिमांड इसकी ड्रॉप होगी, क्योंकि हमें सिर्फ डिमांड कम होगा इससे ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है इतनी। मुझे पहले से पता होनी चाहिए एज अ सप्लायर को कि प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड एग्जैक्टली कितना ड्रॉप होगा, जिससे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में आगे उतनी ही सप्लाई रखूं। प्राइस फॉल कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि डिमांड इसका जितना प्राइस मैंने फॉल करा तो एग्जैक्टली डिमांड बढ़ेगा, मुझे मालूम पड़े एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा। ये बात मुझे अगर मालूम हो तो फिर मैं पहले से ही इसकी प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कर पाऊंगा। तो अब ये चीज कैसे पता लगेगी, जरा समझिए। खैर, आपको तो पता है प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, लेकिन आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझिए, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको इस बात को जानने में हेल्प करेगा कि आपका प्राइस जो चेंज आया है उसका डिमांड पर एग्जैक्टली कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, डिमांड में एग्जैक्टली कितना चेंज आएगा। ये जो आपको नॉलेज मिलती है कहां से मिलती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलती है। अब सवाल है कि सर कैसे मिलती है, कैसे पता लगता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, आइए जरा समझते हैं, एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए प्राइस कोई कॉमोडिटी है, इसकी प्राइस अपनी एक 10 रुपए है और इसकी अपनी एक डिमांड भी होगी, तो डिमांड मान लीजिए कि आप 100 यूनिट्स है। अब प्राइस इसकी अपनी एक इंक्रीज हो गई बच्चे, तो प्राइस इसके अपने एक इंक्रीज होगी तो उसका डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम होगा, तो डिमांड आप जो है यहां पर मान लीजिए 60 यूनिट्स कर लीजिए, ठीक है। तो आप प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में भी चेंज आया, आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्राइस में 2 रुपए इंक्रीज हो गया, आप ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं डिमांड 40 यूनिट्स डिक्रीज हो गया, लेकिन प्राइस और डिमांड को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस जो है रुपीज के फॉर्म में है और डिमांड आपका जो है वो यूनिट्स एंड क्वांटिटी के फॉर्म में है, तो आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको आप। तो एक काम कर सकते हैं,
प्राइस को प्राइस में कंपेयर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि प्राइस में खुद में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो खुद में कंपेयर करना, खुद में चेंज को ऑब्जर्व करना, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑब्जर्व करना। तो मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि भैया पहले प्राइस में कितना चेंज आया। तो क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज निकालना है मुझे किस चीज का, परसेंटेज मुझे निकालना है चेंज इन प्राइस का। तो जिस चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं, चेंज को बोलते हैं डेल्टा, मींस चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज निकालना है चेंज इन प्राइस का। तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना, अगर आपको ये निकालना होता है कि आपके स्कूल में कितने परसेंट, आपके कॉलेज में कितने परसेंट मार्क्स आए, तो परसेंटेज निकालना है जो मार्क्स आपके आए हैं। तो जो मार्क्स आपके आए हैं वो ऊपर रहता है, उसी तरीके से आप प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया, तो चेंज को ऊपर रखोगे और इनिशियल प्राइस से ही कंपेयर करोगे, ओरिजिनल प्राइस से, और इनटू क्या करोगे आप इसको 100 करोगे। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में बच्चे, प्राइस में चेंज कितना है, 2 रुपए का चेंज आया, ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका 10 रुपए, और इनटू 100, तो आपके प्राइस में जो है 20% का चेंज आया, देख सकते हैं आप। अब मैंने कैसे माइनस करा 2 रुपए, 2 रुपए आप नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हो तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। तो 12 में 10 गया, 2 रुपए का चेंज आया। क्लियर है बच्चे? तो अब बात करते हैं कि अब एक काम और करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो वही काम करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी का, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन टू 100 की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया। अब अगर आपने यहां तो 12 नीचे में से माइनस करा था ऊपर वाले को, यहां माइनस करके तो नेगेटिव आएगा, आप माइनस के साइन को अवॉइड करके चल सकते हैं, 40/ आपके पास में 100 × 100। अब सवाल है कि सर माइनस के साइन को क्यों हम अवॉइड करें, वो समझिए। आप चाहे नीचे में से माइनस करो ऊपर वाले को तो यहां तो पॉजिटिव रहेगा, बट वहां पर आपके पास में एक चीज नेगेटिव आ जाएगी। अगर आप ऊपर में से माइनस करते हो तो यहां नेगेटिव रहेगा, फिर आपके पास में जो परसेंटेज चेंज इन आपके पास में जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो कोई एक चीज तो आपके नेगेटिव आने आने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो बस माइनस का साइन इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, और माइनस का कोई यूज नहीं है, इसलिए माइनस साइन अवॉइड करके चलो आप। अब मैं कंपेयर करता हूं बच्चे, अब देखिएगा कि डिमांड में कितना चेंज आया, बात इसकी करते हैं। तो डिमांड में चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, 40%। क्यों चेंज आया, 40% डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि मैंने 20% प्राइस क्या हुई यहां पर इंक्रीज हुई। दोनों को कंपेयर अब आपस में करेंगे कि प्राइस में जो खुद में चेंज आया, डिमांड में जो खुद में चेंज आया, वो चेंजेस एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये पता लग रहा है कि डिमांड में 2 times चेंज आ रहा है। कितना? तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है और जो डिमांड में उसके रिस्पेक्ट में चेंज आया, वो प्राइस में चेंज के कंपेटिबली 2x है। तो ये जो 2x है ना, 2x जो मैं बोल रहा हूं कि ये 2 जो आया, इस 2 को यहां बच्चे हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरी बात समझे, क्लियर है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ कि आप प्राइस में जितना भी चेंज करेंगे तो डिमांड में उसका दुगना चेंज आएगा, तैयार रहिए पहले से। प्राइस अगर आप 10% बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा डिमांड 20% कम होगा। प्राइस अगर आप 5% बढ़ाते हैं तो डिमांड में दुगना इसका फर्क पड़ेगा, डिमांड इसका 10% डिक्रीज होगा। प्राइस अगर आप 2% बढ़ाते हैं तो डिमांड में दुगना फर्क पड़ेगा, मतलब डिमांड इसका 4% कम होगा। प्राइस अगर आप 25% कम कर देते हैं तो डिमांड पे डबल इफेक्ट पड़ेगा, और डिमांड इसका 25 का डबल मतलब 50, डिमांड इसका 50% बढ़ने वाला है। पहले से तैयारी रखें आप अपनी, बात समझे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ये 2 कैसे निकाला, बेसिकली मैंने क्या करा, 40/20 कि ये इसका कितना टाइम्स है, कौन डिमांड जो है, जो डिमांड में चेंज आया, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, वो प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस बात को भी समझिए, मैंने किया कि परसेंटेज
चेंज इन डिमांड, ये देखा कि जो डिमांड में चेंज आया है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका कितने टाइम्स है। तो ये क्या होता है बेसिकली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इसको ईडी भी कहते हैं, ठीक है, या ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, कुछ भी कह दीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। और ये नेगेटिव साइन में लगा देता हूं, क्योंकि ऑलवेज आपका आंसर नेगेटिव ही रहेगा, बताएगा प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन रहता है। क्लियर है बच्चे? अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालता हूं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, आपको याद है अभी क्या था हमने, 100 से 100 कट गया, तो फाइनली आपका आंसर क्या रहेगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा पी बाय डेल्टा पी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ये आगे पीछे हो जाएगा, तो कोई 3 गुणा 4 है, तो 4 गुणा 3 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो डेल्टा पी यहां लिख दिया, और इंटू पी बाय क्यू, और आपका नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो दो तरीके आपके पास में हो गए ईडी के, बात समझे, क्लियर है? तो ये आपका ईडी बेसिकली क्या है, ईडी बेसिकली क्यों है, ये बताता है कि प्राइस में जो चेंज आया है, अगर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कितना चेंज आया, तो आप पहले से ही, अगर आपको उस प्रोडक्ट की ईडी, हर अपने प्रोडक्ट की अपनी ईडी डिफरेंट होती है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर आपकी इसकी ईडी अगर आपके पास में है, तो आप पहले से अवेयर रहेंगे कि प्राइस में जो चेंज आया, अगर मान लीजिए ED3 है, तो इसका मतलब है कि प्राइस में जो चेंज आएगा ईडी में, इसका डिमांड में इसका 3 गुणा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर मैं प्राइस 5% बढ़ा रहा हूं, तो समझ जाऊंगा पहले से कि 15% डिमांड गिरेगी। क्लियर है? अगर ईडी 0.5 है, तो मतलब आधा, तो प्राइस में जो चेंज आएगा उसका आधा प्रभाव मांग पर पड़ेगा। तो अगर प्राइस 10% इंक्रीज हुआ, तो फिर आपके पास में डिमांड इसकी 5% डिक्रीज होगी। तो चीजें पहले से, तो हर प्रोडक्ट की अपनी ईडी डिफरेंट होती है, जो आप कैलकुलेट करके रखेंगे, तो प्राइस में चेंज करने के बाद आप पहले से अवेयर रहेंगे डिमांड में कितना चेंज होने वाला है। और ईडी का अपना फॉर्मूला ये आया, और ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया। क्लियर है बच्चे, समझे? चलिए अब यहां पर हम आते हैं आपके टॉपिक पर, ठीक है, इसको आइटा बोलते हैं, आइटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो है प्राइस ईपी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोलता है, डे डे एक्स अपॉन डी पी। तो बेसिकली क्या है, आपके पास में एक तरीके का आपके पास में एक डिमांड फंक्शन दिया रहेगा प्राइस के रिस्पेक्ट में, और आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिमांड चेंज इन डिमांड ऑब्जर्व करना है, तो चेंज इन डिमांड, तो चेंज को हम ऑब्जर्व करने के लिए उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो चेंज इन डिमांड बेसिकली क्या था आपके पास में, देखो फॉर्मूला, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो यहां पर चेंज इन डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डिमांड फंक्शन में प्राइस इन्वॉल्व होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डेरिवेटिव होगा। कैसे, क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ जी, मेरे पास में एक डिमांड फंक्शन है x इक्वल्स टू 25 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, विद द डिमांड फंक्शन फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पी इक्वल्स टू 3। जब प्राइस 3 है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, बात की बात है 3 होगी, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए क्या होगा। हाँ जी, तो ये आपका डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन का मतलब कि कितने प्राइस पर हम कितनी मात्रा की मांग करेंगे। प्राइस 5 रुपए हुआ तो कितनी हम मांग करेंगे, प्राइस 10 रुपए हुआ तो कितनी मांग करेंगे, डिमांड फंक्शन है। तो आपकी जो क्वांटिटी है बेसिकली, आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्राइस के लिए पी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास में जो फॉर्मूला होता है ईपी का, इसमें वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको इस डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, और इनटू पी बाय क्यू, वहां भी था पी बाय क्यू, यहां भी रहेगा, बट यहां क्वांटिटी को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्वांटिटी को, तो इसलिए यहां पे एक्स लिखेंगे। चलिए मेरे पास में क्या है, एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 3p पी स्क्वायर, देख रहे हैं ना फॉर्मूला, अपना देख लीजिए dx बाय dp। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास पे इसका डेरिवेटिव लेंगे dx अपॉन dp। तो डेरिवेटिव लेना तो आपको बहुत प्यार मोहब्बत से सिखाए, ये कांस्टेंट नंबर है 0, ये -3, और ये आपके पास है -2p डेरिवेटिव। बस अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आपके लिए आसान हो गया है।
कैसे ईपी अगर आप ले रहे हैं तो क्या है आपके पास में माइनस का साइन कॉमन लेंगे आप ये फॉर्मूला है ना 3 प्लस 2 पी दिस वन और इनटू पी बाय एक्स पी बाय एक्स एक्स क्या आपके पास में 25 माइनस 3 पी माइनस p² क्लियर है बच्चे तो आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू माइनस सॉल्व करेंगे इसको 3 p + 2 p² अपॉन 25 माइनस 3 p एंड -p² क्लियर है बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए क्लियर है बच्चे तो ये मेरा क्या आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को देख लो यहां तक देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे और कह रहा है इलास्टिसिटी निकालो वेन समझ में आ गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन पूछा जब प्राइस आपका 3 रुपए हो तो ईपी निकालना आपको वेन प्राइस इज ईपी एट प्राइस इज इक्वल टू 3 तो बस ये माइनस का साइन क्यों है ये बस माइनस का साइन इसलिए है बच्चे माइनस का साइन इसलिए है बस बताने के लिए कि नेगेटिव रिलेशन है ठीक है और आपके पास में आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आपके पास में दिस वन इसलिए फॉर्मूले में ही हम क्या करते हैं पहले से ही नेगेटिव लेके चलते हैं क्या करते हैं फॉर्मूले में अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में जो इसका इलास्टिसिटी आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव लेके चलने के से की वजह से क्या होता है कि ये अपने आप में माइनस माइनस तो आना ही है तो फिर अपने आप में क्या हो जाता है ये पॉजिटिव हो जाता है ये बात समझिएगा। आप नहीं लेके चलना चाहते फॉर्मूले मत लेके चलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आता है वो सिर्फ इसलिए आता है बताने के लिए कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते फॉर्मूले में तो मत करिए कोई दिक्कत नहीं पर जनरली बुक्स वगैरह फॉलो करती हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी तो ईपी तो माइनस तो हो गया आपका सॉल्व करेंगे पी को 3 तो 3 पी 3 3 9 पी का स्क्वायर 9 2 18 अपॉन 25 माइनस नौ सॉल्व करेंगे तो -18 और 9 27 25 में से 18 गया 7 दिस वन तो आपके पास में ईपी में लास्ट में फाइनल आंसर में अपना माइनस साइन अवॉइड कर दो 27/7 ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बच्चे समझ गए प्राइस किसको ये बच्चे एक्स बेसिकली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और पी स्टैंड फॉर प्राइस स्टार्टिंग से एक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके पास में प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करोगे तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ होगा उस डिमांड फंक्शन बेसिकली एक्स के इक्वल दिया हुआ होगा। डिमांड मतलब कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो फंक्शन आपके पास में एक्स इक्वल्स टू दिया होगा और वो प्राइस के फॉर्म में होगा क्यों क्योंकि डिमांड फंक्शन में हमें पता लगता है कि हम किस प्राइस पर कितनी मात्रा लेंगे कितनी यूनिट्स कितनी क्वांटिटी लेंगे तो ये डिमांड फंक्शन है मतलब डिमांड मतलब कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं मींस एक्स कितनी ले रहे हैं तो एक्स इक्वल्स टू प्राइस के फॉर्म में होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा डिटरमाइन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फंक्शन पी इक्वल्स टू दिस के अपॉन में एक्स वेयर के इज ग्रेटर देन 0 मतलब के की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं है करिए जरा करो बच्चे
कर लिया बच्चों? क्लियर है? और इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, देखिएगा, जब आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी या ईपी कुछ भी बोल दीजिए, जब आपके पास में इक्वल्स टू वन होता है, तो इक्वल्स टू वन का मतलब आप सिंपल सी बात समझिए क्या होता है। इक्वल्स टू वन का मतलब ये हो गया, आपके पास में ईडी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड नोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में। और वन आंसर कब पॉसिबल है, जब दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो ईडी इक्वल्स टू वन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी। और जब आपके एडी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन आता है, तो आपके पास में नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, और वैल्यू एक से ज्यादा आ जाए तब पॉसिबल है, जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, डिवाइड कर रहे हो और आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर लेसन के नीचे से बड़ी है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अबव होता है, ज्यादा होता है, तो वहां पर ईडी इक्वल्स टू वन आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, तो प्राइस जितना अफेक्ट हुआ डिमांड उससे ज्यादा अफेक्ट होकर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड में ज्यादा देखने को मिल रही है, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इस केस में जो नेचर इसका रहता है क्या रहता है, इलास्टिसिटी। भाई इतने ही बता रहा हूं जितने आपके मैथ्स के लिए यूज है, क्योंकि मैं फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, मुझे ऐसा लगा मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में हूं। हाँ जी, उसके बाद अगर आपके पास में ईडी लेस देन वन, ये नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपके फॉर्मूले में आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब आपके रिजल्ट एक से छोटा आता है, जब आपके पास में नोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उससे कम ही चेंज देखने को मिला, तो डिमांड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिमांड इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, तो जो कम फ्लेक्सिबल को हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? ईडी इक्वल टू जीरो, जीरो का क्या मतलब है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आंसर जीरो जब आएगा, जब आपका नोमिनेटर जीरो, तो मतलब कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में जो चेंज आया वो आया ही नहीं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जीरो, डिमांड में चेंज आया ही नहीं, इसका क्या मतलब है, भैया प्राइस में आपने चेंज करा पर डिमांड में कोई चेंज ही देखने को नहीं मिला। होता है, होते हैं ऐसे। अब नमक है, अब प्राइस में चेंज करोगे तो क्या डिमांड में चेंज आएगा, क्या आप फीका खाने लग जाओगे या फिर एक्स्ट्रा नमक लेकर के पुड़िया में घूमेंगे, हम टेस्ट करते रहेंगे जहां चलते फिरते, नहीं ना। दवाई है सस्ती हो जाए तो ये थोड़ी क्या हम उसको सिरप खोल करके फिर पी करके फिर हम जेब में डाल लेंगे फिर क्लास में बैठेंगे, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कमेटी ऐसी होती है इसके प्राइस में चेंज होने का डिमांड कोई खास फर्क, कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो जब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक। और जब ईडी इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, मतलब जब आपके पास में प्राइस में चेंज आपके पास में जीरो हो जाए, परसेंटेज इन प्राइसिंग, तो ये आपके पास में परफेक्ट इलास्ट। ये कुछ बातें बताई हैं, ध्यान रखना, कमेंट कई बार बोलते हैं कमेंट करो, तो उसको देख के कमेंट करना है आपने। हाँ जी, आप यहां पर आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, ये देखिएगा, देखो, हाँ देखिए, तो प्राइस फंक्शन आपके पास में डिमांड फंक्शन जनरली होता है, बट यहां पर क्या है, कोई बात नहीं, पी इक्वल्स टू क्या है, के अपॉन एक्स। अब कहोगे सर ये तो काया पलट गई, इससे पहले आपने कहा था कि भैया डिमांड फंक्शन में डिमांड इक्वल्स टू समथिंग होगा, डिमांड मीन्स एक्स, एक्स समथिंग, एक्स इक्वल्स टू समथिंग होगा, बट यहां तो एक्स है ही नहीं, तो आपकी इच्छा भाई साहब, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है? तो मैं एक तो ये तरीका कह रहा हूं कि अगर आपको एक्स चाहिए तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू के, एंड डिमांड फंक्शन में एक्स इक्वल्स होता था के अपॉन पी, दिस अपॉन। क्लियर है बच्चे? तो अब यहां पर आप डेरिवेटिव निकालेंगे डिमांड फंक्शन का, तो डी एक्स अपॉन डी पी,
तो ये तो कांस्टेंट नंबर है आपके पास में, के क्या है आपके पास में, कांस्टेंट नंबर है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो डिनोमिनेटर में है, तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और माइनस वन, जैसे कि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन माइनस होता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, तो उसका पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया आपका, आप कहोगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया जो पहले बता रहा था मैं, लेकिन एक ऑल्टरनेट वे आपके पास में ये और था क्या, वो देख लीजिएगा, क्या मेरे पास में पी इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, कोई बात नहीं मैं डेरिवेटिव ऑफ पी का ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन में एक्स है तो एक्स के, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब मुझे क्या चाहिए, डी एक्स वाई डी पी चाहिए, क्लियर है ना, तो क्या निकलेगा, रिवर्स कर देता हूं डी एक्स अपॉन डी पी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन के माइनस, ये आ गया ना डी एक्स अपॉन डी पी। आपको डी पी अपॉन डी एक्स अगर आपने निकाल लिया तो फिर उसके बाद आपको तो चाहिए डी एक्स अपॉन डी पी, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो राइट में जो रिजल्ट है वो भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डन बच्चे? कोई डाउट यहां तक, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास में इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, ई पी ई डी कुछ भी कह लीजिए, माइनस का साइन लगाना तो लगाइए, डी एक्स अपॉन डी पी प्राइस अपॉन क्वांटिटी मतलब एक्स, डी एक्स अपॉन डी पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के, प्राइस तो आपके पास में प्राइस रहेगा और एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या है, प्राइस की वैल्यू क्या है आपके पास में के अपॉन एक्स, और आपके पास में अपॉन में एक्स, तो एक्स करोगे तो क्या जाएगा अपॉन में एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये के से के कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ई पी इक्वल्स टू क्या आ गया, वन आ गया। क्लियर है बच्चे? समझे? तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तब भी आपका वन ही आंसर आएगा, अगर ये आप रख करके करते हैं तब भी आपका आंसर वन आएगा, बस यहां पर फिर किसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, आपकी पी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, किसी के थ्रू कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वीडियोस इंटरनल वाले फोल्डर में होगा आकाश आपके, जगह चेक करिएगा, नहीं होगा तो आप कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है ना, वो मिल जाएगी आपको। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो वो आपको देखोगे वो मिल जाएगा आपको। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, आपके पास में एक डिमांड फंक्शन है और वेर द पी इज द प्राइस एंड द एक्स इज द डिमांड, प्रूव दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, हमें निकाल के प्रूफ करना है कि वन अपॉन के अपॉन एक्स है, तो प्रूफ करिए, जो आप निकालोगे यही आ जाएगा। Hence, reduce the elasticity of demand for the curve P equals to this. Price ये है तो वहां पर क्या होगा? चलिए आपको दो क्वेश्चन पूछा है, दोनों आप कैलकुलेट करेंगे, आपके ऊपर है ये। सॉल्व करें बच्चे। डन बच्चों?
हाँ जी, इन द डिमांड कर्व, चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं, देखिएगा। इफ द डिमांड कर्व फंक्शन पी इक्वल्स टू, क्या है मेरे पास में, पी इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी अल्फा, अल्फा है ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। अब बच्चे समझिए क्या है, अल्फा मीन एक कॉन्स्टेंट नंबर है, के मतलब एक कॉन्स्टेंट नंबर है, एक्स मतलब कि कितने यूनिट का डिमांड कर रहे हैं आप, क्लियर है। और प्राइस पी मतलब प्राइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, आप पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, कैसे, डी पी अपॉन टी एक्स, क्योंकि जिस आपके फंक्शन में जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो पी का ले रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में, बाकी तो कॉन्स्टेंट नंबर है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपके पास में अल्फा, ये तो कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा, ई रेशो पावर समथिंग ऑलवेज समथिंग, लेकिन आपके पास में चेन रूल लगेगा एक, डी अपॉन डी एक्स किसका, माइनस के एक्स का, क्यों, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, ई रेस टू पावर एक्स, बट ई रेस टू पावर टू एक्स होगा तो ई रेस टू पावर टू एक्स ही होगा, लेकिन एक्स की जगह कुछ और आ गया ना, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा टू एक्स का। याद आया आपको, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी आपको, क्यों बोलते हो। तो यहां पर आप देखेंगे तो डी पी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास में माइनस का साइन आपके पास पे यहां पर आ जाएगा, अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के एक्स, और कॉन्स्टेंट आपका एक्स गायब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, के दिस वन एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स तो गायब हो जाएगा, के रह जाएगा। अब लेकिन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए डी एक्स अपॉन डी पी, तो डी एक्स अपॉन डी पी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, रिवर्स करा तो रिवर्स जाएगा, माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर माइनस के एक्स अपॉन के। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या रहने वाला है, डी एक्स अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्वांटिटी मीन्स एक्स, और माइनस का साइन लगा दो अब अवॉइड करने के लिए, बाकी तो माइनस तो आएगा ही आएगा। दिस वन डी एक्स अपॉन डी पी क्या है आपका, माइनस वन अपॉन अल्फा ई रेज टू पावर माइनस के एक्स इंटू के और इनटू प्राइस। तो प्राइस फंक्शन क्या है आपके पास में, अल्फा पी के पी ई इक्वल्स टू माइनस के एक्स और अपॉन में एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अल्फा कट गया, ई रेज टू पावर के एक्स माइनस ये कट गया, तो क्या बचा आपके पास में, माइनस से माइनस कट गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या बचा, वन अपॉन में के एक्स। यही तो प्रूफ करना था आपको, वही तो आया आपका आंसर, क्लियर है। हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कर्व पी इक्वल्स टू 10e^(-x)। क्लियर है बच्चे, या पहले आपको समझ में आया नहीं आया, इतना बताओ समझ में आ गया। देखिए एक एक टॉपिक को आराम आराम से क्लियर करिए, मिक्स करके पढ़ेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, मिक्स कर करके पढ़ेंगे तो चीजें आपके जो है समझ से बाहर चली जाएंगे, इसलिए आप एक एक चीज को बड़े आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़ें। कोई डाउट, ठीक है चलिए आगे बढ़ें। इसी क्वेश्चन में अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए सेम क्वेश्चन है बट आगे आपसे एक चीज पूछ रहा है कि आपको कंपेयर करना है दोनों में। मेरे पास तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो बेस, मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, मेरे पास में जो फंक्शन है वो दिया हुआ है पी इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस के एक्स, जिसमें कि ना तो मुझे ए की वैल्यू पता नहीं तो मुझे के की वैल्यू पता। और क्या कह रहा है कि बेसिकली फंक्शन था क्या, ये फंक्शन था पी इक्वल्स टू 10e^(-x)/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक बात पता लग गई कि ए को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या है, यहां पर 10 है तो ए इक्वल्स टू क्या आया, 10। और एक बात और पता लग गई, ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहां भी है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स यहां पर भी है, तो के और यहां पर क्या हुआ, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ के की वैल्यू क्या है, 1/2। फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है दोनों में कंपेयर करना है, तो कंपेयर करूंगा तो पी से पी ये 10 है तो ये ए है, तो ए का मान क्या हुआ, 10 हुआ, ये ई तो ई कॉमन चीज हटा दो, माइनस माइनस एक्स एक्स, तो क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा के, और यहां पे बचा आपके पास में 1/2, तो के की वैल्यू कितनी हुई, 1/2 हुई। तो
अब यहां पर आप अपने इस क्वेश्चन में वन अपॉन में के की वैल्यू वन बाई टू रख दोगे और एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, टू बाय एक्स उसका आंसर हो जाएगा फिर इलास्टिसिटी कंपेयर करने के बाद। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय फोर एंड व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, द डिमांड हैव अ यूनिट इलास्टिसिटी। आपको यहां पर एडी गिवन है तो कोई समस्या की बात नहीं है यहां पर, तो आपके पास में डिमांड फंक्शन है पी इक्वल्स टू आपके पास में फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, पहले डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि आपके फंक्शन में वेरिएबल एक्स है, सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये तो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। अब आप इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनस ये आपके पास फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी पी इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, माइनस का साइन तो लगा देते हैं इनवर्स के लिए, क्या है आपके पास में माइनस का टेन एक्स इसकी वैल्यू इंटू प्राइस, प्राइस के आपके पास में फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स दिस वन। तो सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, एक्स से आपका एक्स कट गया, तो क्या बचा आपके पास में ई पी बराबर में 40 माइनस 50 एक्स स्क्वायर, और कह रहा है ईपी की वैल्यू वन है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की वैल्यू क्या आपके पास में वन है, तो वन वैल्यू का इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि वन इक्वल्स टू 40 माइनस 50 एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस का वन है ना, तो माइनस 39 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 50 एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 39 बाय 50 एंड एक्स इक्वल्स टू 39 बाय 50 और इसका रूट। आप एक कैलकुलेटर है तो डरना किस बात से। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को, तो कर लेंगे आप क्वेश्चन को। एक गड़बड़ कर दी ना हमने, एक गड़बड़ करी है बच्चे। हाँ बिल्कुल सही, सही पहचाना, समझदार बच्चे हो आप तो यार। देखो डीबी डी एक्स हमें चाहिए क्या, डी एक्स अपॉन डी पी चाहिए होता है ना, हमें चाहिए होता है डी एक्स अपॉन डी पी, तो बेसिकली रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा, ये वन अपॉन टेन एक्स हो जाएगा ना। अब मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ईपी का, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, तो क्या फॉर्मूला रहता है, तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी पी इंटू पी बाय क्यू मतलब एक्स, तो ईपी इक्वल्स टू क्या रहेगा माइनस, और ये क्या है आपके पास में माइनस वन बाय टेन एक्स, ठीक है, और इंटू प्राइस, प्राइस फंक्शन क्या है फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स दिस वन। अब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या रिजल्ट रहने वाला है, माइनस से माइनस तो कट गया, तो हमारा रिजल्ट जो रहेगा वो बच्चे रहेगा फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन टेन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन टेन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन एक्स स्क्वायर, तो ये वहां चला जाएगा, तो क्या जाएगा 15 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 15 एंड एक्स इक्वल्स टू 4 बाय 15 का रूट एंड 2 बाय रूट 15 दिस वन। क्लियर है बच्चे, समझे, ये करेक्ट आंसर इसका।
बाकी अगली कक्षा में आगे का आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्राइस एसिटिव डिमांड को फिनिश कर देंगे। तो प्राइस एसिटिव सप्लाई को भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, दोनों टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ईओक्यू को नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो कुछ टॉपिक है जो कि करने हैं अभी हमें, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आएगा, फिर प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चीजें हैं इसमें। हेलो, बिजनेस मैथ्स की मैथ्स की जो क्लास नहीं ले रहे ना बच्चे, जो सेल्फ केस में है, मैं लिख के दे रहा हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, मेरे विशेष उसके साथ में कि भगवान हो किसी भी तरीके से पास हो जाए जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, मेरी दुआ उसके साथ में है और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि वो बच्चा पास हो जाए। लेकिन सच्चाई भी मैं जानता हूं नामुमकिन है। अगर आप क्लास भी नहीं ले रहे तो आपको सेल्फ भी अभी से ही पढ़ना पड़ेगा उसको, तब जाकर के आप पास होंगे। इसमें वो कोई ऐसा आप जुगाड़पंती नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम से 3 दिन या 1 वीक या 15 दिन पहले आप कुछ ऐसा कर करके पास हो जाएं। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, दूर दूर तक कोई उम्मीद भी मत रखना इसके बारे में, बहुत ही ज्यादा लेंथी सिलेबस है। और एक चीज को समझे बिना आपको मैं बता दूंगा, चलिए आप मुझसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे मैं बता देता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे तो क्या आपको समझ में आ जाएगा, या इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन की सारी क्लासेस चेन रूल वगैरह आपको सब सारी देखनी पड़ेंगी, तो आप शॉर्ट में वीडियो देख करके नहीं निपटा सकते हो। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैं तो फिर से दुआ करता हूं कि जो बच्चे क्लासेस को अभी से जो बच्चे अभी से नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो बच्चा पास हो जाए, कोई बच्चा रुके नहीं, ग्रेजुएशन सबकी कंप्लीट हो अच्छे से हो। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लास्ट के 20 दिन में सोचें कुछ इंपॉर्टेंट करके पास हो जाएंगे तो इसमें नहीं होने वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंट में अगर मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैंने बता दिया आपको कि भैया ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को देखोगे तो वीडियो में आपको फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये मैं डिफरेंशिएशन किस तरीके से ले रहा हूं, ये बातें तो आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक क्लासेस में आपको समझ में आएगी ना, तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आपको सारी वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। तो बच्चे 15 दिन में आप बताइए जरा 4 महीने की लगातार वाली वीडियो आप कैसे देख पाएंगे, नहीं पॉसिबल है। तो जो बच्चा आप सेल्फ पढ़ेगा अभी से वो भी पास हो सकता है, जो क्लासेस ले रहा है वो भी पास हो सकता है, लेकिन एग्जाम टाइम में कोई जुगाड़बाजी करके आप पास हो जाओगे 2-3 क्वेश्चन पढ़ करके 1-2 यूनिट पढ़ करके तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसमें आपके 5 यूनिट है, हर यूनिट से एक सवाल आपके पास में रहेगा रहेगा, उसके ऑप्शन में उसी यूनिट का सवाल रहेगा। तो आप फिर भी सोचते हैं डिफरेंशिएशन छोड़ देते हैं, आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस छोड़ देते हैं, दो तो 3 बाकी यूनिट को लेकर के हम चल लेते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स लेकर के हम चल लेंगे और हम जो है बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग लेके चल लेते हैं, तो बाकी के जो 3 यूनिट्स हैं कैलकुलस में ही 2 यूनिट्स हैं, बेसिक एडवांस दोनों छोड़ दिया, मैथमेटिक्स और फाइनेंस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया आपने, 2 यूनिट तो आपके हाथ में आएंगे। 2 यूनिट में अगर आपके सबसे पहले तो बहुत रेयर चांस है कि जो क्वेश्चन आया वो आप 100% सही कर देंगे, कहीं ना कहीं लास्ट में अगर क्वेश्चन 5 यूनिट में से 5 सवाल आते हैं, हर यूनिट के ऑप्शन में वही सवाल होते हैं, और ऐसा होता है कि कई बार 1 यूनिट इतना कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो बाकी 4 यूनिट पे आप डिपेंड हो जाएंगे, 4 यूनिट से आप पास होना होगा आपको। तो अगर 5 यूनिट आता तो 2 यूनिट सारे सवाल टफ नहीं होंगे, 2 सवाल बड़े टफ हो सकते हैं पर 3 सवाल बड़े आसान दे देगा, तो 3 सवाल और 2 सवाल में हाथ पैर मार करके आप एक अच्छा आप 60% से आप स्कोर बना लेंगे। लेकिन आप 3 यूनिट ही पढ़ के जाएंगे और 3 यूनिट में से 2 सवाल वही आ गए जो बहुत टफ है, आप 1 सवाल से कैसे अपना एग्जाम निकाल देंगे, बिल्कुल भी निकाल पाएंगे। तो बिजनेस मैथ्स में अगर आप 1 यूनिट ड्रॉप कर रहे हो तो साफ साफ इसका मतलब है कि आपने अपने फेल होने के रास्ते तय कर दिए हैं। मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।